बॉलीवुड सलमान खान को लेकर कोई भी अपडेट हो और वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड ना करे, ये तो इम्पॉसिबल चीज है यार। ये चार पांच दिन से सिर्फ एक ही न्यूज है जो हर तरफ हर जगह ट्रेंड की जा रही थी, वो थी संदीप रेड्डी एंड सलमान खान का कोलैबोरेशन। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि लोग के बड़े बड़े जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि वो आ रही है फिल्म का नाम है तेरे नाम 2, यानी जो संदीप रेड्डी फिल्म बनाने वाले हैं वो तेरे नाम 2 को डायरेक्ट करेंगे जिसमें सलमान खान होने वाले हैं। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, कई जहां लोगों ने इसके बारे में अपनी अपने चैनलों पर ये न्यूज दी है। और मैं बार बार एक ही चीज को लेकर सोच रहा हूं यार, संदीप रेड्डी सलमान खान का कोलैबोरेशन होगा तो बहुत ही जबरदस्त होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये चीजें ना के बराबर है। सलमान खान उनके साथ काम करें क्योंकि यार दूर दूर तक उनके ख्याल एक दूसरे से मिलते नहीं। हाँ, ये चीजें हो सकती हैं जब वो संदीप रेड्डी कुछ चीजों से कंप्रोमाइज शायद करेंगे तो सलमान खान उनके साथ काम करेंगे, ये चीजें हो सकती हैं, वरना 90% तो मुझे नहीं लगता है। लेकिन कहावत कह गई है, आग लगती है तभी कहीं धुआं उड़ता है। तो ये जो न्यूज हर तरफ ट्रेंड कर रही है, बड़े से बड़े चैनल पे, छोटे से छोटे चैनल, हर तरफ ये चल रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात लेके चल जरूर रही है। एक ही न्यूज ट्रेंड कर रही है वो यही कर रही है कि सलमान खान संदीप रेड्डी फिल्म आ रहे हैं। अब तो लोग नाम ही बताने लगे तेरे नाम 2। अब सोचकर मुझे हंसी भी आती है इस बात को लेकर यार, कि नाम भी कंफर्म हो गया है तेरे नाम 2, और जिसको एक्टिंग करनी है उसको पता ही नहीं है, मतलब उसको मालूम ही नहीं है कि ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो लोगों का कहना है, बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उनका कहना है कि 2-3 दिन में ये चीजों से पर्दा उठ जाएगा, सलमान खान इस फिल्म में है कि नहीं है, सलमान ने हाँ बोली है कि ना बोली है, वो 1-2 दिन के अंदर इस बात पे मोहर लग जाएगी। ठीक है, बहरहाल मैं तो बार बार एक ही चीज कहता हूं, अगर संदीप रेड्डी किसी जगह कोई और डायरेक्टर को लेकर, तो मैं 99.5% ये बोल सकता था ये हो सकता है यार, जब इतनी जबरदस्त न्यूज चारों तरफ से आ रही है तो ये पॉसिबल है। बट संदीप रेड्डी को लेकर कुछ सोचता हूं मैं, क्योंकि उनको बनाने का जो स्टाइल है ना, वो सलमान बनाने का जो स्टाइल है फिल्म का ना, वो सलमान खान से बिल्कुल अलग है हर एक चीज पर। तो ये सोचकर थोड़ा वो अजीब लगता है कि यार सलमान भाई ये फिल्म करेंगे इनके साथ कि नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, आप अपनी ओपिनियन हमें जरूर दीजिए। और तेरे नाम 2 जो लोग हर तरह बड़े बड़े चैनल लोग चला रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या ये बात सही है? तो मिलते हैं आपसे छोटे में, अपना ख्याल रखिएगा, ओके टाटा बाय, सी यू अगेन। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है यार, प्यार करो, सपोर्ट करो, क्योंकि हम भी सलमान के फैन हो, तुम भी सलमान के फैन हो यार, तो मजा बहुत आने वाला है आने वाले कल में। ठीक।